जिंदगी में हर इंसान को अपने पापों की सजा मिलती ही है। बेबी तुमको कब ऐसा एहसास हुआ? तुमसे शादी करने के बाद। लाती। हाँ बोलो। तुमने मुझे यूज किया है। ओह नो। हाँ तो मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने आप को यूजलेस समझो। अरे ओ लड़कियों, ये अरेंज मैरिज के चक्कर में मत रहना, नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे क्या कहेंगे कि हमारी मम्मी एक लड़का भी नहीं बटा पाई। मेरे पास एक टैलेंट है, दिन भर पड़े हुए फोन चलाना। अबे मैं दिल्ली से हूँ, हाथ डाल के दिल निकाल लूंगा। ओह नो। अबे मैं लंदन से हूँ, हाथ डाल के। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अब मैं कुछ बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जा जा किसी के ऑफिस में अकेला और ये ले 10 रुपए। ये ला। और ये एप्पल। और ये गाजर। एक लास्ट। और ये चकना। भागकर शादी तो मैं भी कर लूं, पर क्या करूं, मेरी एक चप्पल ही नहीं मिल रही। कुछ नहीं भाई, सिंपल है, उसके पास जाके उसको आई लव यू बोल दे। पक्का? हाँ, वो भी आई लव यू टू जानू बोलेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया। मैंने पल पल में लोग बदलते देखे हैं। अरे मैंने पार्लर में। अरे भैया आपका चश्मा। ओह थैंक यू डार्लिंग। ओए मेरा बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा लिमिट में रहो। ओए मेरी भी बहन है, तू भी लिमिट में रह। जब कोई लड़की मुझे घूर के देखती है ना, तो मैं भी उसे देख लेता हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि मेरे अंदर घमंड है। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना, मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूँगा। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कि लड़कियों की हंसी और कुत्तों की खामोशी पे कभी यकीन मत करना। इतने बाबू तो सरकारी दफ्तर में भी नहीं घूम रहे होंगे जितने इंस्टाग्राम पर घूम रहे हैं। हे भगवान, मुझे दुख दे, तकलीफ दे, सजा दे। अबे सीधा सीधा बोलना, घरवाली चाहिए। हम जब किस किए थे ना, तब से अजीब लग रहा है, तू ब्रश करके नहीं आई थी क्या? ओह नो। अरे कल रात में अंधेरे के कारण तुम मुझे किस नहीं कर रहे थे, आधे घंटे से मेरी नाक चाट रहे थे। आप चाहे मेरी कितनी भी तारीफ क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी मम्मी की नजर में मैं वो औलाद हूँ जो भगवान किसी को ना दे। अरे बॉबी रो क्यों रहा है? अरे ये एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था। अच्छा, आज उस लड़की ने उसका मुंह धो के दिखा दिया। लड़का निकला। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, बर्तन धो देना। हाँ पर बेबी। नहीं धोए तो मैं धो दूंगी। गजब बेइज्जती है। बेबी तुम्हें पता है क्या, लड़के मेरे पीछे पागल है। हाँ क्योंकि आगे से कुछ देखने जैसा है भी नहीं। बड़े बड़े आशिकों की डूब जाती है नैया जब लड़की बोलती है थैंक यू भैया। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें सर्च करें, ब्लॉक नहीं। खैर मेरी बात अलग है, मेरे को तो लोग सर्च करके ब्लॉक करते हैं। ये वीडियो सिर्फ वही लोग लाइक करें जिनके शरीर में खून लाल कलर का है। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मेरे को आपसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो। कुछ दिल की बात कहना है। बोलिए। हैप्पी वुमेंस डे दीदी। जिंदगी समझ में ना आए तो भी एंजॉय करो, क्योंकि कच्चा बादाम कौन सा समझ में आ रहा था, सुन तो रहे थे ना। तू रिलेशनशिप में है क्या? नहीं रे, सिंगल लाइफ सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो साक्षी पूछ रही थी ना तेरे बारे में, इसीलिए तुझसे पूछा। सिंगल लाइफ से बकवास लाइफ कोई है ही नहीं, रिलेशनशिप वाली लाइफ बहुत बढ़िया है। बेबी देखना, हमको पहले बेटा होगा। बेटी होगी। मैं लिख के देता हूँ, पहले ब्रेकअप होगा। मैं भी किसी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। बाबू सोना बेबी सब सुन के थाना थाना चाहता हूँ। हो सकता है मैं कल तक जिंदा ना रहूं दोस्तों, क्योंकि 21 लोगों को भेजने वाला मैसेज मैंने बिना भेजे ही डिलीट कर दिया। इतनी आसानी से नहीं बनाया पहचान में, बहुत कर्जा लिया है।
भैया तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रही है। हाँ पता है। तो रोक उसे। अरे नहीं मैंने ही बोला उसको, पहले सीख क्या। मैं सीखा दूसरे। बस यार मैं दिन भर का थका हार आया हूँ, मुझे फ्रेश तो हो लेने दो। हाँ तो मैं भी दिन भर घर पे अकेली थी तो मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। नो नो, प्यार तो सब लड़कियाँ देती है लेकिन गर्लफ्रेंड ऐसी बनाओ जो पैसे उधार दे। हाँ भाई कहाँ है। भाई घर पे ही हूँ। अच्छा। हाँ कौन है ये। गर्लफ्रेंड है मेरी। तो कल वो कौन थी। क्या मैं बोलूं तुम हो। इतना बुरा तो दिल टूटने पर भी नहीं लगता जितना रिचार्ज खत्म होने पर लगता है। देख सुधर जा, कुत्ते नहीं मानेंगे मेरे घर वाले तेरे साथ शादी करने को। कितनी बार समझाऊं। सुनो, लड़ चाहे जितना मर्जी लो मुझसे पर मुझसे दूर कभी मत होना। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। पूरी देना। क्या हुआ इसके लिए तो बड़ा मुंह खुल जाता है तुम्हारा, समझ रहे हो। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। बीच में ना बोल। अब थोड़ा थोड़ा मरने लगा हूँ, कभी तुम पर तो कभी तुम्हारी बहन पर। माँ मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं ठीक फील नहीं कर रही। बेटा मुझे लगता है तुझे विटामिन चप्पल की कमी हो गई है ना। बहुत भूख लगी है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या शादी से पहले क्यों नहीं बताई। क्योंकि मम्मी जी सरप्राइज। अरे हस्बैंड है वो मेरे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। क्या हुआ कौन है। मम्मी बोल रही है अपने पति की इज्जत करा कर। ये जीएम जीएम क्या लिखते हो, लिखना है तो पूरा गुड मॉर्निंग लिखा करो, कभी कभार मैं गलत समझ लेता हूँ। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही। कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। रात को तो दूसरे कमरे में अकेले जा नहीं सकती और तू हवाबाजी कर रही है। कम हो रहा है। सुनो क्या। चुप, नजर मुझे लगेगी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है। श्री कृष्ण जी की 1600 रानियां थी, फिर भी वो अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे, और मेरा दोस्त एक गर्लफ्रेंड क्या बना ली, साला मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। नो 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 नो। भाग कर शादी तो मैं भी कर लूं, लेकिन क्या करूं? दो दिन से मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही है। जब तक मैं सिंगल हूँ वो मेरी है, ये भी मेरी है। अरे तू क्या वीडियो देख रही है, तू भी मेरी है। का कोई बॉयफ्रेंड है। देखने से लगता है कि कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाँ? आई अरे इसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसका पति है और हम इनके बेटे हैं। मैं कौन हूँ गूगल है। बेरोजगार। खुली किताब जैसी थी मैं, पर अफसोस किसी अनपढ़ के पल्ले पड़ गई। कौन कहता है कि इश्क एक बार होता है, बंदा बेशरम होना चाहिए, बार बार होता है। मुझे जिंदगी में सुख और शांति चाहिए थी, फिर क्या, फिर घर वाले ने शादी करा दी।